हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी टाइम हो रहा है 4:30, और 4:30 मतलब शाम को बज रहे हैं, मतलब सुबह के नहीं, 4:30 बज रहे हैं। और मेरा लल्ला अभी सो के उठा है, ये लल्ला मेरा सो के उठा है अभी, और ये दूध पी चुका है। और आज का व्लॉग अब शुरू हो रहा है, मतलब शाम को, क्योंकि सुबह मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और मैंने बिल्कुल भी कैमरा लगाने की वो नहीं करी कि लाओ मैं कैमरा लगाती हूँ पहले, उसके बाद कैमरा मतलब फ़ोन लगाती हूँ, उसके बाद कुछ और करूँगी। लेकिन नहीं, बिकॉज मेरे को ये वाला रूम क्लियर करना था। हाँ, अब सही है। तो ये वाला रूम साफ़ हो गया है पूरा, मंदिर वंदिर मैंने सब क्लीन किया। मैंने कहा आप करी दो छुट्टी करो, तो इधर से मैंने ये सारा, ये जो फ्लावर्स है ना सब हटा के, ये वाली जो वो है सब हटा के, सब कुछ पूरा सा धोया ये सारा फ्लावर्स वगैरह। और ये नीचे न्यू वाला पेपर जो मैं कल लेकर आई थी रेड वाला, वो बिछाया है। और कान्हा जी की सबकी ड्रेस चेंज कर दी है, मतलब न्यू वाली कर दी है। ये सारी न्यू ड्रेसेस थी जो कि मैं जन्माष्टमी पे लेके आई थी, उसमें से एक रखी हुई थी। और स्टैंड परमानेंट लगा हुआ है अभी एक हफ्ते से, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि डेली कुछ ना कुछ धोने के लिए हो जाता है, तो धोने कपड़े उतने हो ही जाते हैं कि हाँ, तो मैं डेली मशीन लगा ही रही हूँ आजकल। और इधर सब क्लीन हो गया है, सब क्लीन हो गया है। पर्दा भी सूख गया था तो वो भी मैंने डाल दिया है, ये भी मैंने सुबह ही डाल दिया था, और वहाँ ऊपर वो लगा दिया है एक गणेश जी वाला, और पर्दा क्लीन करके सुबह ही लग गया था, मतलब धो के सूख गया था ना, तो मैंने सुबह ही लगा दिया था। और सोफ़ा भी क्लीन हो गया है, इसके ऊपर बेडशीट भी धो के सुबह ही धोई थी, बट सूख गई थी तो फिर मैंने लगा दी अभी दिन में। और झूला भी ऐसे ही, झूले पे तो कुछ नहीं किया ऐसा कुछ खास, बस ऐसे ही। और सब काम करा है मैंने पूरा, इधर का रूम का क्लीन हो गया है। और सुबह मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं झाड़ू पोछा सब कुछ करा है, पोछा भी लगाया है मैंने, पोछा भी लगा दो फिर सही रहेगा। और मैं सोच रही इसकी बेड शीट है ना, कल या परसों में चेंज करती हूँ। मैं सोच रही हूँ कल ही चेंज करूँ, वैसे तो जहाँ तक है वहाँ तक, क्यों मैं ये वाला जो कार्टून है ना, इसका वाला जिसके इसके कपड़े रखे हुए हैं, इसके पुराने वाले, मतलब पुराने क्या, जो अभी थोड़े से छोटे हुए होंगे, ज़्यादा नहीं छोटे हुए होंगे, तो वही बेड के अंदर रखूँगी मैं, उस वाले बेड के अंदर। देखती हूँ जगह है या नहीं है। और रात में निकाला था ये वाला ब्लैंकेट, ये वाला थोड़ा हैवी है उससे, और वो वाला इसमें रख दिया है, अभी डालेंगे जाके दुकान पे धुलने के लिए, ड्राई क्लीन वाली पे ब्लैंकेट, उसके बाद धो के रख देंगे। और मेरे को हॉस्पिटल भी जाना है, मतलब अपने हाथ वाली दवाई लेनी है और थायराइड वाली भी लेनी है, तो अभी हॉस्पिटल भी जाना है। लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि बर्तन क्लीन कर देती हूँ, बिकॉज़ बर्तन बहुत सारे हो रहे हैं। और मेरे को जाना है 5 बजे, और 5 बजने ही वाला है, मतलब 15-20 मिनट रह गया है और 5 बजे वो भी ऑफिस से आ जाएंगे। और इसको मैंने अभी शूज़ वूज कुछ नहीं पहनाया है ना बेटा, मामा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो चुन्नू मुन्नू? तो ये 2-4 काम अभी मेरे को करने हैं। मैंने इसी चक्कर में सुबह, मतलब कैमरा अगर मैं लगाती ना, तो मैं यही कैमरा लगाती रहती, फिर उसको बंद करती, फिर चलाती, फिर बंद करती, मैं यही करती रहती, तो इसके चक्कर में मैंने ना लगाया ही नहीं। मैं छोड़ो, लगाते नहीं हैं, जल्दी जल्दी फटाफट काम निपटाते हैं, वो छुट्टी जब साफ़ हो जाएगा ना तब दिखा देंगे। तो अब ये वाला रूम भी क्लीन हो गया है, और वो आगे वाला रूम भी क्लीन हो गया है। वो वाला तो मैंने रात में ही किया एक तरीके से क्लीन, तो अभी वो वाला रूम क्लीन, ये वाला रूम क्लीन, किचन बची हुई है बस, किचन लैट्रिन बाथरूम यही सब रह गया यार।
और किचन का सोच रही हूँ कैसे करूँ कैसे करूँ, या तो ऊपर ऊपर एक दिन कर लूँ फिर नीचे नीचे करूँ, ऐसे करके कर शायद कर पाऊँ, पता नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा अभी, देखती हूँ कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि एक दिन में ना 2-3 घंटे लग जाएंगे मेरे को, और ये मेरे को ना परेशान कर देगी, इसका भी देखना रहता है, यही मेरे को 12 बजा देती है, आधे 1 घंटे तक तो इसी का कार्यक्रम चलता रहता है, नाना धोना हगना पॉटी सॉटी सब कुछ इसी का कार्यक्रम चलता रहता है। और मैं आप लोगों से बाद में मिलूंगी, मतलब बर्तन वर्तन क्लीन कर लेती हूँ, जाऊंगी उसके बाद देखती हूँ कब मिलती हूँ आके। सो बाय बाय अभी। लल्ला कब तू मन्नू काय बना तू ना? क्या बना दे? मम्मा काली बनाने। क्या बना दे बेटा? मम्मा काली बनाने ना। गाड़ी बना दे? मम्मा काली बना दे। कहाँ गाड़ी बना दे बेटू? यहाँ पे। तुम चिल्ली हो गए, चिल्ली बच्चे हो गए, तुम चिल्ली बच्चे। माता। दुकान पे गया है तो वो लेने के लिए बेटा दाल। और हम लोग आए हैं सेक्टर 2 दान करने के लिए, और ये मेरा कन्हैया गाड़ी में बैठा है मम्मा के पास। आज ये कन्हैया गया नहीं मेरा, जेठा शूज नहीं पहने शूज, और जी ना नीचे क्या खा के आया बेटा? महंगी और शूज। महंगी खा के आए हो? शूज उतार के खाई थी तुमने? हाँ। अच्छा, ये अपनी आंटी के घर पे मैगी खा के आया बैठ के आराम से, ये 2-4 बच्चे और पूरा पार्टी शार्टी करके आए हैं अभी मैगी खा के अबे छूचू भी आ गई। अब मम्मा छूचू कहाँ करा है बेटा, तुमने शूज भी नहीं पहना है। बच्चा मेरा पागल हो गया है बिल्कुल ही। और बच्चे की ये न्यू न्यू बुक लेकर आए हैं, ये वाली न्यू न्यू लेकर आए हैं, उसने पुरानी वाली फाड़ दी, इस चक्कर में ये वाली लेकर आए न्यू बुक। बेटी 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 मेरे से कह रहा है बेटी 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 बच्चे बच्चे रप क्या कह रहा है, देखो मेरी प्यारी बेटी और मैं बनाने जा रही थी, हम लोग आ गए थे अभी घर पे आ गए थे, उसके बाद मैं 7:30 बजे आ गए थे, और अभी 8:15 हो रहा है, मतलब 15 मिनट हुए। मैं बनाने जा रही थी तहरी, और बनाऊंगी चटनी, और मैं मूली के साथ खाऊंगी आज। बहुत दिनों से मेरा बड़ा मन कर रहा था, ऐसे मम्मा के पास होती थी ना तो बड़ा मम्मा क्या देती थी मम्मा को, तो मम्मा बड़ा उससे बना देते तुरंत तहरी, और फिर हम मूली से खाते थे तो। मेरे को बड़ा याद आया ना बेटा, मम्मा उसमें लगाएगी। तो यहाँ पे बन रही है हमारी तहरी, और पहले मैंने पता नहीं वो ऑन ही नहीं किया क्या नहीं किया, मेरे को बाद में समझ में आया कि मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया उसका फ़ोन का। तो यहाँ पे मैंने उसमें ऑयल डाला था कुकर में, उसके बाद जीरा और लहसुन और प्याज और हरी मिर्च ये सब डाल के, उसके बाद मैंने उसमें शायद टमाटर डाला है, और अभी मैंने उसमें डाला है मसाला, और मसाले के बाद 1/8 चम्मच पानी, मतलब कि जिससे कि वो मसाला जल नहीं जाए इसलिए। और अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पकने के बाद मटर एंड आलू, और कोई सब्जी थी नहीं, मतलब गाजर वगैरह नहीं थी जो मैं और ऐड कर दी थी उसमें, वो नहीं थी तो मैंने ऐसी सिंपल बना लिया, और मटर भी पैकेट वाली है। और उसके बाद मैंने इसमें आलू डाला है और डाला है चावल,
और इसको थोड़ा सा फ्राई करके इसमें डालेंगे पानी। ये आलू और चावल है और इसमें पानी डाल के फिर मैं इसको बंद कर दूँगी। ज़्यादा कुछ खास नहीं डाला है, मतलब नॉर्मल जो डाला जाता है ना, मैंने उसमें वो डाला है सोयाबीन वाला जो बरी होता है वो क्योंकि उसको भिगो के रखना पड़ता है, फिर वो फूलती, फिर उसको फ्राई करना पड़ता, इस चक्कर में मैंने अपना सिंपल वाली बना ली ऐसे ही, और ऐसी सिंपल वाली खा ली हमने। और ये मेरा बच्चा मेरे को परेशान कर रहा है जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ, और अभी बज रहा है रात का एक एक बजे मेरी एडिटिंग हो रही है, और ये भी अभी सोया नहीं है। ये इतना मक्कार बच्चा है मेरा, क्या बताएं हम। और ये है मेरी दवाई जो कि मैं अभी लेकर आई थी, और मैं पंखा नहीं चला रही हूँ, थोड़ा ठंडा ठंडा सा लग रहा है। मैं कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं और खाना बनाने में घुस गई मैं जाके, तो मेरी तैयारी बन गई है और इधर मेरे कपड़े फैले डले उतार दिए, मतलब जीन्स उतार दी थी मैंने। हाँ खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे बेटा, सुबह खाते हैं ये वाली, सुबह खाते हैं, हाँ सुबह सुबह खाते हैं, सुबह सुबह खाते हैं। और ये इतनी देर से किचन में ही खड़ा था जब मैं किचन में खड़ी थी, क्योंकि अकेला था घर में, इस चक्कर में किचन में खड़ा हुआ था, क्या मम्मा के पास ही खड़े रहेंगे, है ना। हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय 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 पशुया। गधा हो गया ये आज, सुचा सुचा। तो मैंने इसका आके स्वेटर उतार दिया था अभी, अरे इसको स्वेटर नहीं उतारा था, स्वेटर उतार दिया था मम्मा ने लल्ला का, लल्ला का स्वेटर नहीं उतारा था। और इसकी एक रोटी बना के रख के आई हूँ, ये तैरी नहीं खाएगी जहाँ तक मेरे को, ये तैरी नहीं खाती है, मतलब इसको मिर्च लगने लगती है पता नहीं क्या इसके साथ, तो ये खाती नहीं है तैरी, थोड़ा बहुत खाती है, मतलब आलू एक आध आलू खा लेगी उसमें से, बट ये कहो कि पूरा खाए ढंग से वैसे नहीं खाती। तो इस चक्कर में मैंने इसकी रोटी बनाई है एक, और बाद में थोड़ा सा आटा निकाल दिया था क्योंकि इसकी रोटी बाद की ना हो जाए इस चक्कर में। और इसकी लौकी रखी हुई है, मैंने सुबह बनाई थी, उसी से खाएगी ये, मेरे साथ ही लगा हुआ, मेरे संग 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 संग। मैं इतनी देर में किचन में खड़े होके प्याज टमाटर वो सब काटा, आलू काटा, ये सब काटा, और ये तब से वहीं लगा हुआ है मम्मा के पास, मेरी चमेली मेरी चमेली वहीं लगी हुई थी। अब किचन रह गई साफ करने के लिए, और मैं ना बहुत थक गई हूँ ऐसा लग रहा है मेरे को, कल भी रात को मैं सोई नहीं, 3:30 की तरफ सोई होगी पता नहीं, और सुबह 8 उठ गई मैं, उसके बाद मैं पूरा काम में लग गई, आगे वाला रूम जो मतलब उसमें कर्टन वर्टन डालने थे, मंदिर साफ करना था, तो ये सब सब करने में ना मेरे को 1 था 8 से लगे हुए, 1-1.5 घंटा तो यही खा लेता है मेरा, नहलाना खिलाना पिलाना पॉटी सुसु सब करवाना, तो 1-1.5 घंटा इसके में ही लग जाता है, उसी में चला जाता है मेरा। और फिर मैं अपना नहाना धोना होता है, फिर पूजा वूजा करनी होती है, तो इस चक्कर में, और मैंने पहले ही नहा लिया था, मैंने नहा धो के पूजा करके
उसके बाद मैंने वो पोछा ओछा लगाया था, पोछा लगाया और मंदिर क्लीन किया, उसके बाद मैंने पूरा सारा हटा के सब आगे वाला रूम हो गया सब। अब आगे वाले रूम और ये वाले रूम में कुछ नहीं है, बस यहाँ पे बेडशीट चेंज करनी है बस, और कुछ नहीं। और हमारी तहरी बन गई है, अभी खाएंगे आएंगे तब। बहुत दिनों से मेरा मन कर रहा था, अब मम्मा वाली याद आ जाती है यार, क्या कर सकते हैं, इतना दूर रहते हैं, घर पे भी नहीं जा पाते अपने। याद आती रहे कोई बात नहीं है, क्या कर सकते हैं, साल में एक बार ही जाती हूँ, जहाँ तक है वहाँ तक साल में, क्योंकि पिछली साल भी गई थी, मतलब पिछली साल क्या, इसी मतलब साल में फैम में गई थी क्योंकि इसका बर्थडे था और बर्थडे थोड़ा हैवी करा था इसका, इस चक्कर में फरवरी में गई थी मैं, और फिर मैं होली होली करके तब आई। अभी मेरे को अपने दांत वहाँ सब निकलवाने हैं जाके, जो पीछे वाली जो दाढ़ होती है ना वो मेरे को निकलवानी, मैंने इधर वाला जो राइट वाला होता है ना वो इधर वाला निकलवा लिया ऊपर वाला। अभी जब मैं आई थी तब मैं YouTube नहीं करती थी, मतलब YouTube पे वीडियोस नहीं बनाती थी, उससे पहले ही मैं घर पे थी तब मैंने निकलवाया था इधर वाला। अभी मेरे को चारों निकलवाने, इधर 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 सब निकलवाने, तीन रह गए हैं मेरे निकलवाने के लिए, अभी ये सब भी करना पड़ेगा। अभी पापा के पास जाती हूँ तभी करवा के आती हूँ ये सब काम, क्योंकि मेरे को ना यहाँ के डॉक्टर्स कुछ समझ में नहीं आते, इस चक्कर में ना इन डॉक्टरों से मैं दूर ही रहती हूँ थोड़ा। वहाँ के डॉक्टर्स ये हैं कि मेरे को पता है कि मेरे घर वाले जानते हैं और जान पहचान, मतलब थोड़ा बहुत जानते हैं कि हाँ ये ऐसा है ये ऐसा है। तो वहाँ का डेंटिस्ट बहुत अच्छा था, जो भी मतलब जिसने भी मेरा ये किया ट्रीटमेंट इस वाले दांत का, वो बहुत ही अच्छे थे, मतलब क्या कर रहे हो। और उन्होंने मेरा दांत कब निकाल दिया ना मेरे को पता भी नहीं चला, 2-3 सेकंड में ही निकाल दिया, मेरे को पता ही नहीं चला, वो ऐसे ऐसे करा और उन्होंने निकाल दिया। मैंने कहा हो गया, आप कहते हाँ हो गया। और यहाँ वाले जो डेंटिस्ट को मैंने दिखाया, उसने कहा एक और डॉक्टर बुलाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। मैंने कहा भैया तुम दूर रहो। तुम मच्छू हो भाई। तो इस चक्कर में मैं यहाँ वाले डेंटिस्ट के पास दोबारा गई नहीं हूँ। एक हॉस्पिटल में भी दिखाया, जो HEC का हॉस्पिटल है जिसमें ये जॉब करते हैं, उसमें दिखाया अभी, मतलब पहले दिखाया था, तो वो तो और ही ज़्यादा पागल थी डॉक्टर जो भी थी वो। मैंने उसके पास दोबारा गई नहीं, फिर दोनों के दोनों पागल ही थे, पता नहीं क्या डॉक्टर, तो मैं उन दोनों के पास नहीं गई। फिर मैं अपने घर पे गई आगरा, तभी मैंने ये वाला टीथ निकलवाया जाके। अब जाऊंगी कभी तो फिर दोबारा से निकलवाऊंगी जाके, इधर वाला उधर वाला। चलिए बातें करते रहेंगे, 10 मिनट हो गए बातें करते करते, ज़्यादा बातें नहीं करो और इस वाले वीडियो को एंड करते हैं। क्या करते हैं पता नहीं, कितना बड़ा हुआ कितना नहीं हुआ, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कितना बड़ा हो गया ये वाला वीडियो, क्योंकि मैंने अभी शाम को ही तो स्टार्ट किया ये वाला व्लॉग। चलो देखते हैं आगे कुछ दिखाने को होगा तो दिखाते हैं, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है, तो टाटा बाय बाय कर ही देते हैं फिर, तो टाटा बाय बाय समझ लेना, कर नहीं देते हैं मतलब अभी। और ये ऐसे ही नौटंकी कर रहा है देखो। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, बुक लेके आया बस डाल दी उधर सोफे पे, ये खेल बना रहा है बस। वो वाला कार्टून उठा के ना बैग उसमें रखूंगी बेड में, देखती हूँ जगह है या नहीं है बेड में, उसके बाद बेडशीट चेंज करूंगी कल। चलो आगे दिखाने के कुछ होगा तो दिखाते हैं, वरना टाटा बाय बाय। और ये हमारी तहरी जो आप लोग भी खा लीजिए, आप भी इनवाइटेड हैं। अच्छी लगे तो